मैं आज खुदा को हाजिर नाजर जानकर अपने अदारों अपने जुम्मेदारान और अपनी कौम के सामने ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ कि ज़ुल्म की इंतहा कर दी गई है हमारे छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है ग्यारह साल के सैदौन मोहम्मद को हमारे दोस्तों को दोस्तों की फैमिलियों को जिनका कोई जुर्म नहीं और मैं तो पाकिस्तान में ही नहीं था और ये जुल्म बरपरीत फस्तायत चंगेजियत और दहशत गर्दी जो पुलिस फैला रही है एक सोची समझी साजिश के तहत जिसमें मकामी सियासी लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है और जो आवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है वो शामिल हैं ये झूठा प्रापोवर्डा कर रहे हैं कि ये ऊपर से हुक्म हैं ये ऊपर से हुक्म हैं अल्लाह के फजल करम से सारी जिंदगी हम अदारों के साथ खड़े रहे हैं पाकिस्तान के अजीम फौज के साथ खड़े रहे हैं और दोनों जंगों में सिविलियन होने की हसीयत से भी शिरकत की बच्चा था सोलह साल का लेकिन एक हद होती है जुल्म की मैं खुदा के सामने अहद करता हूँ अगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी तो ये पुलिस अफसरान ये पुलिस जुम्मेदारान इस वक्त भी सैद और वारस खान थाने में मौजूद है बैलफ जाता है तो ये इधर उधर कर देते हैं इन्होंने थानों को खाना बना दिया है और इतनी रिश्वत को गई है पुलिस स्टेशन में मैं अदारों को कहूंगा कि अपनी एजेंसी को कहें कि ये एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है इसके नतज बुरे निकलेंगे और इन अल्लाह अजीम है अल्लाह के पास इज्जत है ताकत है हुकूमत है वो जिसको चाहता है इज्जत देता है जिसको चाहता है जलील कर देता है मेरे मौला को मंजूर हुआ इन तमाम लोगों को इन तमाम लोगों को मैं कानून के शिकंजे में लाऊंगा ये ना समझे हमारे पास सारी वीडियोस हैं किस तरह हमारे घरों को तोड़ा गया हमारे फोन हमारी कैश हमारी घड़िया सब कुछ ले जाओ मैं तो यहां था ही नहीं पाकिस्तान में सब कुछ ले जाओ लेकिन एक बात याद रखो कि पाकिस्तान में नफरत को खत्म करना है नफरत आग की तरह फैल रही है और ये आग की चंगारी किसी जगह से भी शोला जवाला बन जाएगी और मुल्क किसी नई आफत और मुसीबत में पड़ जाएगा ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है काम सारा पुलिस और मकामी सियासी लोग कर रहे हैं और मलबा सारा जो है वो अदारों पे डाल रहे हैं हालांकि अदारों को कोई खबर नहीं है कि थानों में इस वक्त क्या हो रहा है शहरी थानों में अकूबत खानों में जुल्म की इंतहा हो रही है। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी जिंदगी दी इन तमाम लोगों को इनकी सब वीडियो आडियो कैसेट मौजूद है वक्त आने पर कानून के कटहरे में खड़ा करूंगा और मेरे मौला ने चाह तो सच की फतेह होगी चंद हफ्तों की बात है चंद दो तीन हफ्तों की बात है इसके बाद ये रात ये जुल्म की रात खत्म होने जा रही है और इन शह तला काला काला रसोल्लाम बुलंद होगा और ला लाला मोहम्मद रसुल्लाह का झंडा बुलंद होगा और ये येम शिकस्त खाएंगे और गरीबों की बदुआ पड़ेगी इस वक्त तेईस मेरे दोस्त रिश्तेदार और उनके बच्चे इन्होंने उठाए हुए हैं और अदालतों में कहते हैं कि हमने कोई नहीं उठाया हम पे कोई केस नहीं है हम पे कोई केस नहीं है अल्लाह बहुत बड़ा है इनशाला वक्त आने पर इन तमाम तमामों को कानून के कुटेर कटरे में खड़ा करूंगा इन तमाम तमामों को सबूत के तहत सबूत के तहत कानून के शिकंजे में लाऊंगा और फतेह हक और सच की होगी इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद